इस लघु कहानी से समझिए भक्ति की शक्ति। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता है। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, न घास, न पेड़, न फूल, न फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहाँ रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे, चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद जी के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद जी चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहाँ से निकल ले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फले लदे हुए थी। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेम मंगन होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी मुझसे झूठ बोला है। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7वां जन्म काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। सीख: भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता है। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। हर हर महादेव।